गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी जीके की बुक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके इसको डिस्कशन करते हैं। सीमा रेखा और वह सीमा रेखा किन देशों के बीच है, तो मैकमोहन रेखा किनके किनके बीच है, तो भारत एवं चीन देश के बीच मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा जो है वो किसके किसके बीच है, तो पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच, तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हिंडनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 24वीं जो है अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। और 30वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। और 30वीं जो है समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। हम आते हैं आगे की तरफ। मैगी नॉट और सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैगी नॉट और सीज फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ओडरनिस रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। ओडरनिस रेखा जो है वो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। मैनरहिन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो रूस और फिनलैंड के बीच। मैनरहिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।